Hey everyone, welcome to Vet Visit. I'm Hansika Singh and I'm a veterinary student. So इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो suture patterns demonstrate करूंगी. And yes, अगर आपने Vet Visit को subscribe नहीं किया है, then please do. Subscribe करते time press the bell icon ताकि आपको हर new video की notification मिल जाए. And now let's start. तो हमको practice के लिए चाहिए होगी एक needle holder forceps and it has a groove for better grasp over the needle. फिर इसके अलावा हमको चाहिए एक थ्रेड. तो इस थ्रेड को हम सूचा मटेरियल की जगह यूज करेंगे. नेक्स्ट हमको चाहिए एक नीडल. सो मोस्टली हर घर में ये नीडल और थ्रेड तो अवेलेबल होता ही है. एंड जरूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिस एक्चुअल सूचा मटेरियल और सूचरिंग नीडल से करें, हम इससे भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं. फिर हमको चाहिए एक रिबन. द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स इज थ्रेडिंग ऑफ द नीडल. तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक हाथ से थ्रेड को पकड़ते हैं और हम उसको नीडल के अंदर डालते हैं. बट हियर वी गोना डू द अदर वे. हम नीडल को डायरेक्ट करेंगे थ्रेड के अंदर. तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मूव करेगा, राइट वाला स्टैटिक रहेगा. एंड दैट्स हाउ I'm inserting the needle into the thread and मैं finger और thumb से उसका end पकड़ लूँगी. I'll take the required quantity of the material and जो भी extra है उसको cut कर देंगे. Now suppose जो white line है वो cut या incision है, तो अब मैं needle को incision के एक side से दूसरे side लेके जाऊँगी. एंड नाउ मैं फोर्सेप्स को पैरेलल रखूंगी इंसिजन के. मैं थ्रेड को दो बार लेके जाऊंगी अराउंड द फोर्सेप्स और मैं अपने राइट हैंड को पुल करूंगी अपनी तरफ. फिर उसके बाद एक और टर्न एंड मेरा अब राइट हैंड जाएगा मेरे से दूर. सो दिस कंप्लीट्स द सर्जन नॉट, जिसे 2+1 भी बोलते हैं. बट नाउ followed by two additional throws for a firmer grip. And जो भी excess material है उसको हम simply cut कर देंगे. तो अब दूसरा method है hand tie method. तो तरीका एकदम सेम है, बस हम फोर्सेप्स की जगह अपनी फिंगर्स से नॉट को बांधेंगे. तो मैं अपनी फिंगर्स के अराउंड थ्रेड को लेके जाऊंगी दो बार एंड देन ब्रिंगिंग माय राइट हैंड टुवर्ड्स मी एंड फिर एक और थ्रो एंड टेकिंग माय राइट हैंड away from me. This completes the surgeon knot and now two additional throws. And then cutting the excess material. सिंपल कंटिन्यूस सूचा के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल इंटरप्टेड सूचा परफॉर्म करेंगे. एंड अब आपको पता चल गया है सिंपल इंटरप्टेड सूचा कैसे परफॉर्म किया जाता है. नीडल को पास करेंगे एंड देन टू थ्रोज अवे फ्रॉम यू एंड मूविंग द हैंड टुवर्ड्स यू एंड देन अ थ्रो टुवर्ड्स यू एंड मूविंग योर हैंड away from you. So this completes the surgeon knot. इसके बाद हम दो additional throws के लिए भी जा सकते हैं for a firmer grip. अब इस pattern को हम आगे continue करेंगे एक continuous manner में and hence इसका नाम simple continuous pattern है. And this is how we will continue the simple continuous suture pattern.
अब इस पैटर्न को एंड करने के दो मेथड्स हैं, या तो हम प्रीवियस सूचक के लूप से इसको टाई कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो फाइन, नहीं तो दूसरा मेथड, वी कैन गो फॉर अ बैक हैंड. सो नीडल को हम एडजस्ट करेंगे एंड द नीडल शुड बी परपेंडिकुलर टू द फोर्सेप्स एंड वी गो अक्रॉस द इंसिशन. एंड देन हम इसको इसी के लूप से टाई कर सकते हैं. सो दोनों ही मेथड सही हैं, लेकिन जो ये वाला है इसमें थोड़ी बेटर क्लोजर आ जाता है सूचना में. देन कटिंग दी एक्स्ट्रा मटेरियल. So that's it for today's video. If you like it, give it a thumbs up and I'll see you next time. Till then, take care of yourselves and keep loving animals like you always do.